पटना के फुलवारी शरीफ में कुछ ग्रामीणों ने बच्चा चोरी कर भाग रही एक महिला को धर दबोचा और एक मंदिर में घंटों बंधक बनाकर रखा है, जबकि दूसरा भागने में सफल हो गया है। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और महिला को अपने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बच्चा चोर का मामला लगातार सामने आ रहा है और बिहार के फुलवारी शरीफ से मामला सामने आया है, जहां बच्चा चोरी करके महिला भाग रही थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया, घंटों उसे बांधे रखा और इस दौरान जो एक और उसके साथ शख्स मौजूद था वो भागने में कामयाब रहा। ग्रामीणों ने महिला की पिटाई भी की है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता रजत का। रजत, बच्चा चोरी का मामला जो है लगातार सामने आ रहा है और फुलवारी शरीफ से भी मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी अनुजा, देखा जाए तो घटना जो है फुलवारी शरीफ के जानीपुर का है, जहां आलमपुर गोनपुरा पंचायत पड़ती है। वहां पे दो महिला जो थे कि बच्चा चोरी करने के लिए पहुंची थी, इसी क्रम में महिला ने गांव वालों को पकड़ लिया, जहां 6 वर्ष की बच्ची बताई जा रही है। और लोगों ने, गांव वाले लोगों ने उस महिला को पिटाई भी की है। वही स्थानीय पुलिस पहुंची, जिस इस मामले को सुलझाया है। बिल्कुल, जानना चाहूंगी रजत कि ग्रामीणों ने इसे आपस में ही सुलझा लिया या फिर इसकी जानकारी पुलिस को दी गई? मौके पर सूचना दी गई जानीपुर थाने को, तो जानीपुर थाने मौके पर पहुंची और इस मामले को, महिला को थाने ले आई है और पुलिस इस मामले के जांच में जुटी है। बिल्कुल रजत, जानना चाहूंगी जो महिलाएं हैं उन पर आरोप लग रहे हैं बच्चा चोरी का, उनका क्या कुछ कहना है? उनका कहना है कि भूख लग रही थी और बच्चे को जो थे कि घूम रहे थे, उस बच्चे को साथ में लेके खुद खा रहे थे और बच्चों को भी खिला रहे थे। महिला का यही कहना है कि बच्चा चोर हम नहीं है और जो है कि ग्रामीणों ने देख लिया और उन लोगों को लगा कि बच्चा चोरी करके भाग रहे, इसी क्रम में महिला को पिटाई की गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजत तमाम जानकारियों के लिए। तो बिहार के फुलवारी शरीफ से बच्चा चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला को बंधक भी बनाया गया और उसे पीटा भी गया है। हालांकि महिला का कहना है कि वो बच्चा चोरी करने के इरादे से वहां नहीं गई थी।